नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। रामनगर में बाटा शोरूम का राज्य मंत्री दान सिंह रावत ने किया शुभारंभ। जी हां, आपको बताते चले, आज रामनगर अस्थाना मॉल में बाटा कंपनी के शोरूम का हुआ शुभारंभ, जिसको प्रदेश के राज्य मंत्री दान सिंह रावत ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर उनके साथ उत्तराखंड के सभी जिलों के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन, जनरल मैनेजर, IAS रजिस्ट्रार अधिकारी मौजूद रहे। साथ में ब्राह्मण उत्थान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैम भट्ट और कांग्रेस की दिग्गज नेता हरिप्रिया सती एवं शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामनगर में यह पहला शोरूम है जिसमें बाटा कंपनी के सभी प्रकार के जूते, चप्पल आदि अधिक मात्रा में उपलब्ध है। वही बाटा कंपनी के शोरूम के ओनर प्रकाश रेखड़ी ने बताया कि हमारे पास बाटा कंपनी के जूतों की हर तरह की वैरायटी मुनासिब रेटों पर उपलब्ध है। देखिए, यहाँ आज बाटा के इस एक्सक्लूसिव शोरूम का शुभारंभ है और श्रीमान प्रकाश रेखाड़ी जी का यह प्रतिष्ठान है। इन्होंने बाटा के साथ एक अच्छा, इस रामनगर में लोगों को अच्छी ब्रांडेड चीज मिल सके, उस फुटवेयर के क्षेत्र में एक अच्छा प्रतिष्ठान खड़ा किया है। हमारी सबकी शुभकामना है कि इनका यह प्रतिष्ठान अच्छा चले और देश की अग्रणी फुटवेयर कंपनी है बाटा, उसका शोरूम इन्होंने खोला है। लोगों को उचित मूल्य पर अच्छा सामान रामनगर क्षेत्र को उपलब्ध होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी, आप सबका स्वागत है और नमस्कार। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सर, मेरा पहले से उद्देश्य रहा है कि यहाँ पर रामनगर में मैंने शॉप भी यहाँ पर शुरू की, तो मॉल पर शॉप शुरू की और ब्रांडेड आइटम्स जैसे गोदरेज इंटेरियो, बाटा, लिबर्टी, ये सबके साथ अभी बाटा का रिसेंटली हमने आज ये लॉन्च किया हुआ है। चूँकि बाटा ने मार्केट में एक नए रूप में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया, तो मेरा ये विश्वास था कि कॉस्ट इफेक्टिव होते हुए अच्छा ब्रांड, आप इसकी क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं इन कंपैरिजन अदर जो कॉस्टली ब्रांड है, उसके ये रेट भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। इसका लाभ लोगों को पहुंचे और लोग को ये मिले, ये मेरा उद्देश्य था, इसलिए मैं सर इस बाटा का जो है प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया।